अब तक आपने देखा पूरा पंत परिवार अभिषेक के रिश्ते के लिए पंडित जी को घर बुलाते हैं। पंडित जी अभिषेक का रिश्ता लाने के लिए मान जाते हैं। अभिषेक अपने भाई बहन की लापरवाही से बहुत दुखी होता है। बबली अभिषेक को ये सब छोड़ के भाग जाने के लिए कहती है, जो अभिषेक नहीं मानता। सुबह जल्दी उठने के लिए मीरा तैयारी करती है ताकि उसके डैड उसे फिर से गुस्सा ना हो जाए। अब आगे पापा, गुड मॉर्निंग पापा। पापा हम लोग चलते हैं ना, हम लोग मार्कशीट ले आते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस एक सेकंड, चलिए पापा मैं रेडी हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। चलिए अच्छा, मैं मीटिंग के लिए एक घंटा लेकर जाऊंगी। ऑलराइट, चलिए ना पापा। सर खाना लगा दिया। क्या खाना? I'm sorry पापा, मैंने बहुत कोशिश की पूरी रात जगने की। मैंने देखिए, मैंने इतने सारे अलार्म्स भी लगाए थे रात भर जगने के लिए, पता नहीं क्या हुआ। पापा यू नो व्हाट, लेसन लर्नड, नींद और रिजल्ट, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसे आलस से कोई भी नहीं रोक सकता है। पापा हम लोग अब मार्कशीट ले आते हैं ना, बस मुझे दो मिनट लगेगा, मैं ब्रश कर लेती हूँ। मैंने ब्रश नहीं किया है। रिया दी, ये ड्रेस तो ठीक है ना? दिस इज फाइन राइट? पापा चलते हैं हम लोग, बस दो मिनट। आप लोग कुछ ज्यादा ही नहीं रिएक्ट कर रहे हो? आपका लंच यानी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हम लोग का रोज एक ही टाइम होता है ना? आपने मार्कशीट ले आया? मधु, ये कोट कहाँ रखा है? ये वाला भी रखना। अरे मधु कहाँ है? वो आलस का ऊपर ही पड़ा हुआ है, बिस्तर पे ले लीजिए ना। हम किसी को नहीं करना, इन्हें देखो पड़ी हुई है। ले मोना। हाँ दादी। तेरी माँ को जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं उनसे कह दियो कि हमारी लड़की को 24 में से 25 घंटे शीशे में शकल निहारने की आदत है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा खासा हट्टा कट्टा तुम यहाँ पे खड़ा हो? बस खड़ा ही रही हो, किसी भी काम में हाथ मत बटाना। अरे बीतियों काम पड़े घर में। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं रामराज के साथ जाकर के खुद ही लड़की देख पाती। अम्मा मुझे ना ले जाते, मैं अभिषेक की माँ हूँ ना। अरे तुझे ले जाना आसान था क्या? और हम अम्मा? हाँ अम्मा, हम सब के लिए तो कितनी आस है ना अभिषेक की दुल्हनिया। अरे इसीलिए तो लड़की वालों को यहाँ बुलाया है। इतना ध्यान रखो कि अगर इस बार अभिषेक का यह रिश्ता ना हुआ तो मैं सबकी खिल्ली बन पाऊंगी। अम्मा आप जाकर आराम करो, मैं देख रही हूँ ना, सब कुछ हो जाएगा। जा। बाजी बाजी सही, पर आज ऐसा लगता है जैसे अभिषेक की किस्मत जरूर चमकेगी। नहीं रोहन, बड़े भैया ये वाली शर्ट नहीं पहन सकते। तुझे याद है जब वो डिंपल वाली लड़की आई थी, बड़े भैया ने ना यही शर्ट पहनी थी और वो चली गई थी। और ये सॉक्स, जो लंबी नाक वाली लड़की आई थी तभी बड़े भैया ने ये सॉक्स पहने थे। ये आउट। जी क्या कर रहा है?
वाली शर्ट भी अनलकी है और ये जूते, ये बड़े भैया के फेवरेट हैं। थैंक गॉड, कुछ तो ऐसा है जो फेवरेट हो सकता है। बड़े भैया सिर्फ जूते में। बड़े भैया भैया अभी आप ही कुछ बताओ। वो ना बाहर की दीवार अभी भी बनानी बाकी है, मुझे और भी बहुत सारे काम है तो मेरे पास। भैया अच्छा अच्छा ठीक है सुनो, ये लो एक काम करते हैं, ये शर्ट ठीक है, इसके साथ तो पैंट भी लगी हुई है, परफेक्ट। तो ये शर्ट, ये पैंट और सॉक्स, ये लो, ये सॉक्स कर लेते हैं, और जूते तो मेरे फेवरेट है, हो गया डिसाइड। भैया ये कपड़े अनलकी है। रोहन कपड़े अनलकी नहीं होते, अनलकी तो वो लड़कियां है ना जो इतने प्यारे बच्चों की भाभी बनने से रह रही है। आज वाली लड़की का देखते हैं लग कितना चलता है, है? क्या हो रहा है? भगवान सबको इतने प्यार के साथ थोड़ी सांस दे दे। मॉम डैड रिया दी सब लोग मेरे फ्यूचर को लेके टेंशन में हैं। डीएल जैसे भी ज्यादा बार देख चुकी हूँ, सारे डायलॉग्स मुझे अच्छे से याद हैं। ग्रेजुएशन में दूसरी बार फेल होकर तुमने पापा की इंसल्ट करवा दी, सोसाइटी में कुछ रेपुटेशन है हमारी, एक काम क्यों नहीं करती, टीचर बन जा, ABCD तो आती होगी ना। बेटा लिसन टू मी, तुम हल्दिया आंटी के साथ उनके पार्टी ऑर्गेनाइजर बिजनेस को ज्वाइन कर लो, तुम्हारा डिजाइन सेंस कितना स्ट्रांग। मीरा हम राय ज्यादा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स लाइक इम्पॉसिबल कि हम लाइफ में कुछ ना करें। आई मीन रियली मीरा, What do you think? मेरे पास सब कुछ है और मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां अचीवर्स बने, और तुम हो मम्मी डैडी के डिजायर्स का तुम पे कोई असर ही नहीं पड़ता। आज तो इस सीन की स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी। विशेष का फर्क पड़ता है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब इतने साल हो गए पापा, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं है, मुझे फिर भी सुनाई दे जाता है। मीरा बेटा, तुम क्या बोलती हो क्या सोचती हो ना मेरी समझ में आता है, ना तुम्हारी मॉम के और ना ही रिया के। आप ये सब सोच के परेशान हो रहे हैं ना, PhD, ये फैमिली का नाम, रेप्यूटेशन, है ना। और मुझे ये लग रहा है कि आप ये पानी क्यों नहीं पी रहे, इट्स गुड फॉर हेल्थ, आपको पानी पीना चाहिए। रिया दी, आपका वो टीचर बनने वाला आइडिया ना बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड। ABCD तो आती है, पर आप लोग को तो पता है मुझे रोज सुबह उठने की थोड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर मैं रोज लेट पहुंचूंगी तो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, मतलब बिना ABCD पढ़े। वैसे ऐसा क्या हो सकता है कि कोई एक डॉक्टर हो जिसको ABCD नहीं आती हो। मॉम आपका जो हल्दिया आंटी वाला आइडिया है ना, मैं उन्हें कभी कभी हेल्प कर सकती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे तो समझ लिए ना। You know, Jaya, अब ये डिस्कशन इस घर में इतनी बार हो चुका है कि ये मैडम पहले से ही जानती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मेरा बेटा, सीरियसली एक सवाल पूछ सकता हूं तुमसे? बेटा तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो? मैं बस खुश रहना चाहती हूँ पापा। देखा देखा मीरा, how selfish can you be? Huh? तुम खुश रहना चाहती हो, पर सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हो तुम? क्योंकि पापा एक वो ही काम है जो हम लोग नहीं करते। अगर हम हर काम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करेंगे ना, तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। अब सोच के देखिए सीरियसली एक बार। सीरियसली? हाँ। अच्छा, तो ये जो घर मतलब बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब जो मैंने कमाया है, ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कमाया मैंने, तुम सबकी खुशी के लिए कमाया मीरा। और अगर हम खुश तो आप खुश, है ना?
तो इसलिए आपने ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए किया है पापा। वही तो मैं भी कह रही हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी खुशी हो, इसीलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ। बेटा तुमने क्या बोला, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मम्मा मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना, औरों की मदद करने से पहले आप खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनिए, तो मैं वही कह रही हूँ जब तक आप खुद से अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे, इसीलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ। वैसे आपने एक बात नोट करी, आज मेरे फेल होने की वजह से पूरी फैमिली दोपहर के 2 बजे साथ में है, फैमिली लंच। फिर हम रिया की शादी की शॉपिंग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, कुल मिलाकर शायद 6 फंक्शंस हैं। मॉम प्लीज, बट ज्यादा खर्चा नहीं। अरे रिया दी क्या बात कर रहे हो यार, मैं आपकी जगह होती ना तो मैं 6 नहीं मैं 8 फंक्शंस रखवाती, और मैं इतनी शॉपिंग करती। मैं डेजर्ट में केक बेक कर लेती हूँ लंच के बाद के लिए। तुम दोनों ने सुना इसने अभी क्या कहा? मीरा की शादी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आ गया भाई अपना हीरो, स्ट्रेचर स्ट्रेचर मंगवा लो भाई। आज जो लड़की देखने आ रही है ना, वो देखते ही घायल हो जाने वाली है। अरे बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है हमारा अभिषेक, है ना? अच्छे लग रहे हो। ये क्या आप लोग लड़के की वाहवाही कर रहे हैं? जीजी आप क्या हाथ से हाथ ला रही हो? अरे नजर लग जाएगी बच्चे को मां की। अभिषेक तो एक काम कर, तू चल ऊपर जा। अरे नहीं, यहाँ पर खड़े होके सबके साथ इंतजार करेगा अच्छा नहीं लगेगा। अरे बंद कर कैमरा अपना। देखिए तो सही, हमारा अभिषेक तो ऐसे लग रहा है जैसे जैसे अभी घोड़ी चढ़ जाएगा। क्या अभिषेक? अम्मा ये क्या नजर लग जाएगी। वो रहने दे। अरे इस आने जाने के चक्कर में लड़की वाले आ गए तो और रखिए। अरे वक्त है अभी अम्मा। अरे अम्मा जी 2 मिनट लगेंगे, मैं लेके जाती हूं। जब देखो तोते की तरह मधु के हाँ में हाँ मिला करके। अरे अम्मा इसमें गलत क्या है? अरे अभिषेक अपना तुरप का इक्का है। लड़की वालों की एंट्री से पहले सारे पत्ते क्यों दिखाए? देवर जी बहुत हो गए मुहावरे, हमें कोई पत्तों की बाजी थोड़ी ना जीतनी है, हमें तो बस बहू चाहिए। अभी तू यहीं रुक। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। लो भाई। हम एक काम करते हैं, हम लोग ने ऐसे अभिषेक भैया को ऐसे छुपा देते हैं, ठीक है, यहाँ घमले के पीछे। जैसे ही लड़की वाले आते ना, क्यों धमाए करके उनके एंट्री लेके, मतलब मजा आ जाएगी, है ना? जरा लोग हंसेंगे हम पे। प्रहलाद मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार में करियर बनाने से पहले शादी नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है हमें मीरा के लिए ये नियम को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। अरे मुझे देख लो, मैं शादी से पहले क्या थी, हाँ इतनी कंफ्यूज्ड। फिर तुमसे शादी हुई और फिर सब सॉर्ट आउट हो गया, पढ़ाई टीचिंग, और अब मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हो सकता है मीरा शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक हो जाओ मतलब? मैं कोई खराब हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा मन इतना साफ है, जो भी करती हो दिल लगा कर करती हो। पर इतना कुछ करती हो कि क्या करती हो कुछ समझ नहीं आता। रिया मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी जिस भी घर जाएगी वो परिवार खुशियों से भर जाएगा। अच्छा रिया, संजय ने अपने कजिन अमन का रिश्ता मीरा के लिए भेजा था ना, व्हाट डू यू थिंक? नो मॉम प्लीज, संजय के कजिन से मीरा का रिश्ता, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी आई डोंट थिंक मीरा अभी शादी के लिए रेडी है। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तुम शादी के लिए रेडी हो? माफ कीजिए, अभिषेक के माता पिता? जी नमस्ते, मैं अभिषेक की माँ। अभिषेक के पिताजी कहाँ हैं? वो तो भाग गए। वैसे पंडित जी बता रहे थे कि आपके 4 बेटे हैं तो चौथा अमन। वो भी भाग गए।
झगड़ा मत करो। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को क्या सिखाया था मैंने कि जब लड़की वाले आवे तो कैसे बर्ताव करना, याद है कि नहीं? याद है अम्मा जी। तो बस जो कहा है तो ही करना। आइए चलिए अम्मा जी आगे। अरे अच्छा आइए आइए आइए। वेलकम टू पंथवन होम्स। वेलकम टू पंथवन। मैं मधु हूँ, लड़के की बड़ी चाची। और मैं रामराज, लड़के का बड़े वाला पति। नहीं, इनका पति और लड़के का बड़ा चाचा। ये हमारी अम्मा है। और ये है मेरा छोटा भाई बलराज। ये उनकी पत्नी रेखा। ये इनके दोनों बच्चे हाथी साहब। हाय। और वो दोनों मेरे बच्चे हैं। हाय। और ये है अभिषेक। आप लोग आइए ना, अंदर आइए। यहाँ बैठो जल्दी। क्या कर रहे हैं बेटा? आइए सॉरी। आप कपिल तू हट। दादी प्लीज यहाँ बैठो ना सर। सॉरी आप प्लीज यहाँ आइए। मैम आप इधर आइए प्लीज। सॉरी मैं इधर बैठ जाना। मैं इधर बैठ जाता हूँ। पंडित जी खड़े क्यों यहाँ पे? इधर आइए, इधर आइए। उनके साथ बैठिए। उनके साथ बैठिए। भाभी के पास जाओ ना काम करने। बैठ गए सब? अभी सही है। अब तुम बैठ जाओ। चाय ये लीजिए भाई। आप हमेशा से ऐसे प्रॉब्लम सुलझाते हैं। माँ बाप के सब गुण है बेटा। माफ कीजिएगा, अभिषेक के माता पिता। जी नमस्ते, मैं अभिषेक की माँ। वो मैं अक्सर ऊपर बैठी रहती हूँ ना, तो सब लोग मुझे भूल जाते हैं। अरे अभी कैसी बात करिए, कोई नहीं भूलता आपको। अरे नहीं बेटा, असल में अभी तो आए हैं ये लोग। और फिर वैसे अभिषेक के पिताजी कहाँ हैं? वो तो भाग गए। अभिषेक चाय? बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। ये मेरा बड़ा बेटा योगराज अभिषेक का पिता, वो असल में तारामठ में रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए कई साल से वहीं रहते हैं। वैसे पंडित जी बता रहे थे कि आपके चार बेटे हैं, तो चौथा भाई वो भी भागे। वो मेरा चौथा बेटा युवराज अपने परिवार के साथ रहता है, हमारे साथ नहीं। अक्सर बच्चे बातों बातों में सच कही जाते हैं। बेकरी क्लासेस कर लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेस कर लिए। जहां तक मुझे याद है तुमने तो एनजीओ भी खोलने का सोच लिया था। बेटा तुम पीसीओ खोल लो ये गनीमत है। तुम और कितनी बार अपने फैसले बदलती रहोगी? बस हो गया डिसाइड। मुझे वक्त चाहिए। सी आई टोल्ड यू, ये शादी के लिए रेडी नहीं है अभी। मैं तो ये सोच सोच के टेंशन में आ रही हूँ कि मैं सबको कैसे बताऊंगी कि किया रहा है ज्यादा की छोटी बहन के 30 रुपए। इसमें क्या है, मैं बता दूंगी। सीरियसली मीरा, तुम्हारे मामले में तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिया। तुम और क्या क्या करना चाहती हो बताओगी मुझे प्लीज? तुमने वो इसने वो बेकरी क्लासेस कर ली, इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेस कर लिए। जहां तक मुझे याद है
तुमने तो एनजीओ भी खोलने का सोच लिया था। बेटा तुम पीसीओ खोल लो ये गनीमत। तुम और कितनी बार अपने फैसले बदलती रहोगी? बस हो गया डिसाइड, मैं शादी कर रही हूँ। क्या तूने ऐसे बैठे बैठे इतनी जल्दी डिसाइड भी कर लिया? मेजोरिटी विंस ला दी थी। अब मॉम और डैड चाहते कि मैं अमन से शादी करूँ, आप नहीं चाहते, तो दो बड़ा या एक। मीरा तू पागल हो गई है क्या? What is wrong with you? ये शादी वगैरह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तू ये सब के लिए रेडी भी है? पता नहीं, पर अगर मॉम और डैड के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए मुझे शादी भी करनी पड़ी तो आई एम रेडी। अगर मैंने शादी कर ली तो आप खुश हो जाएगी ना मॉम? Finally, तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया मीरा। That's wonderful. You know what? मैं तुम्हारे लिए अभी immediately देवपुर जाने के अरेंजमेंट सारे अरेंजमेंट कर देता हूँ, और वहां जाने के बाद you know what बेटा? वहां जाने के बाद अमन से मिलने के बाद ही डिसाइड करना कि तुम्हें ये शादी करनी भी है या नहीं। ओके पापा, ये लीजिए पापा। पता है पापा, मार्कशीट लाने के बाद ना ये पहली बार है जब आपके माथे से टेंशन की लाइन हटी है। मैं तो शादी के बारे में ऑलरेडी श्योर हो चुकी हूँ। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। पापा हम लोग चलते हैं ना, हम लोग मार्कशीट ले आते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस एक सेकंड। चलिए पापा मैं रेडी हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। चलिए। अच्छा मैं मीटिंग के लिए एक घंटा लेकर जाऊंगी। ऑलराइट। चलिए ना पापा। सर खाना लगा दिया। क्या खाना? I'm sorry पापा, मैंने बहुत कोशिश की पूरी रात जगने की। मैंने देखिए मैंने इतने सारे अलार्म्स भी लगाए थे रात भर जगने के लिए, पता नहीं क्या हुआ। पापा यू नो व्हाट, लेसन लर्न्ड।